Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। मैं हूं आपके साथ अनम काजमी और मैं हूं सबाशी। आज है जनाब 10 अक्टूबर और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और ढेर सारी मुस्कुराहटें और कुछ अहम टॉपिक। आज के शो में हम सबसे पहले बात करेंगे कल होने वाली एक अहम पेशी के बारे में, जिस बिना पर हमारा कल का शो भी हमने देखा कि पोस्टपोन हो गया और काफी लोग इंतजार भी करते रहे और सवालात भी करते रहे। तो कुछ ऐसे केस में अहम पेशरफ्त हुई है और पेशरफ्त के साथ साथ कुछ अहम बयानात भी हमने देखा के सामने आए हैं। एक तरफ जहां मरियम नवाज इस एहतसाब को इंतकाम का नाम दे रही है, वहीं हसन नवाज का कहना है कि पाकिस्तान के कानून हम पर लागू नहीं होते और ये कि अदालत अंधेरे में काली बिल्ली ढूंढ रही है। इस तरह के कुछ बयानात ने एक नई बहस भी छेड़ दी है, जिसके बाद खुर्शीद शाह ने भी कहा है कि नवाज साहब इस बात को वाजे करें कि उनके बच्चे वाकई पाकिस्तानी शहरी हैं भी या नहीं। तो बहरहाल कल की पेशी में हमने देखा कि ना तो नवाज साहब मौजूद थे और ना ही उनके दोनों बेटे, पर अदालत की जानिब से हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी भी करार दे दिया गया है और अब नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है वो 13 अक्टूबर को उन पर पर्दे जुम्मी आयद की जाएगी। तो बिल्कुल जनाब, जहां गर्मी का पारा मामूल के मुताबिक अक्टूबर में हाई है, वहीं सियासी मौसम भी अपने तेवर बदल रहा है। बात करेंगे हम जैसे कि अनम ने की शरीफ फैमिली के हवाले से। नवाज शरीफ तो पेश नहीं हुए, मगर मरियम सफदर और कैप्टन सफदर रिटायर्ड जरूर पेश हुए और शहबाज शरीफ और नून लीग वज़रा की उम्मीदों के ऐन मुताबिक जमानत भी हो गई, क्योंकि उन्होंने रजाकराना तौर पर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया था। कैप्टन सफदर रिटायर्ड काफी पुरउम्मीद दिखाई दिए, वहीं मरियम नवाज ने भी मीडिया से गुफ्तगू में गिले शिकवे किए। तो दूसरी जानब ख्वाजा हारिस ने दी नवाज शरीफ की जानब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त, वहीं अदालत ने हसन हुसैन नवाज को दे दिया इश्तहारी करार। नैब कोर्ट में होने वाली पेशरफ का खुलासा तो यह है कि शरीफ फैमिली अब अपनी बका की जंग इन तमाम केसेस का सामना करके ही लड़ सकती है। बिल्कुल जनाब, इसके अलावा जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दो टूक पैगाम की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमारा अमरीका पर इन्हिसार बिल्कुल भी बाकी नहीं रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो दीगर जराए को हम बरोए कार जरूर लाएंगे। साथ ही साथ कुछ बात होगी क्रिकेट के हवाले से भी, पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज के हवाले से। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जबरदस्त कमबैक भी किया है और अगर बात करें आसिफ शफी की और सरफराज की, तो उन्होंने जीत के लिए अपनी कोशिशें काफी तेज कर दी है और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जीत के काफी करीब भी है, लेकिन स्टिल कुछ रन भी पाकिस्तान को दरकार है। एनीवे अपनी टीम को जो है वो हम ढेर सारी बेस्ट विशेष देना चाहेंगे सीरीज के लिए भी। बिल्कुल, टीम को ढेर सारी बेस्ट विशेष देना चाहेंगे। और अगर अहम मौजूदात के ऊपर हम नजर डालें और अहम मौजूदात के वाले से हम बात करें, तो हमारे आज के अहम मौजूदात होंगे जैसे कि पाकिस्तान में गर्मी का दौर दौरा है और अक्टूबर में जो है मामूल के मुताबिक गर्मी पड़ती है, तो हीट के हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कल होने वाली आसिफ जरदारी की खसूसी गुफ्तगू के बारे में, जो उन्होंने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आवाम का में आज न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी के साथ में की। और इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो डेथ डे भी मनाया जा रहा है, पेनल्टी डे भी मनाया जा रहा है, डेथ पेनल्टी डे भी मनाया जा रहा है, उस हवाले से भी आगाही फराम करेंगे आपको कि एक्चुअली इस दिन का मकसद क्या होता है और किन लोगों को हैंग ऑन किया जाता है और क्या इसके सम्राट होते हैं। तो शो में ये तमाम चीजें हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। लीग से शुरू होने वाली कानूनी जंग इंतहाई अहम मरहले में दाखिल, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की एहतसाब अदालत में पेशी, अगली समाअत पर शहीद फैमिली पर फर्द जुर्म आयद होगी, हसन और हुसैन नवाज इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। पाकिस्तान का फौजी और दीगर जरूरियात के लिए अमरीका पर इन्हिसार बाकी नहीं रहा, अगर जरूरत पड़ी तो दीगर जराए को बरोएकार लाया जाएगा, वजीर आजम पाकिस्तान का वाशिंगटन को दो टोक अल्फाज में पैगाम। तो जनाब, आज के अखबार की जो हेडलाइंस हैं, जो मेन लीड हैं, वो डेफिनेटली उसमें पहला नाम लिखा है मरियम सफदर के हवाले से कि नवाज मरियम सफदर पर जुमे को फर्दे जुर्माए और इन तीनों को 13 अक्टूबर को बुलाया गया है, उनकी पेशी है, जबकि कैप्टन सफदर रिटायर्ड और मरियम की जमानत इजाजत के बगैर बैरून मुल्क नहीं जा सकते, नवाज शरीफ को एक दिन गैर हाजिरी की इजाजत, हसन हुसैन इश्तहारी करार। तो हमने देखा कि कल एहतसाब अदालत में जो भी एक्टिविटीज होती रही, जितने भी ट्रायल हुए, जो भी समाते हैं, तो उसमें जो भी फैसला आता रहा उसमें सबसे
इंपॉर्टेंट फैसला जो आया वो हसन और हुसैन नवाज के हवाले से आया कि वो तो पेश ही नहीं हो रहे थे और उनको इश्तहारी करार दे दिया गया। और इस हवाले से मरियम नवाज ये कहती हैं कि ये उनका अपना ज़ाती मामला है कि अब वो खुद फैसला करेंगे कि हसन हुसैन नवाज को क्या करना है। साथ साथ उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, मीडिया से गुफ्तगू की। और यहाँ पर एक बात बड़ी काबिले जिक्र है कि जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आया गया तो सिक्योरिटी के खासे कड़े इंतजाम थे। उन्होंने गैर रस्मी सी गुफ्तगू की मीडिया से जिसमें उन्होंने कहा कि आदत हो गई है इन केसेस का सामना करेंगे, तो इससे नून लीग का कल एक स्टांस वाजे हो गया कि नून लीग अब पूरी तरीके से तैयार है इन केसेस का सामना करने के लिए। और ख्वाजा हारिस की अगर बात जाए ओवरऑल इस पूरी समात को समअप करते हुए तो ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि मैं मुस्तकिल इस्तस्ना नहीं मांग रहा, मैं 15 दिन के लिए इस्तस्ना मांग रहा हूं क्योंकि जो बेगम कुलसूम नवाज हैं उनकी अहलियां हैं वो बीमार हैं जिसके बायस नवाज शरीफ पेश नहीं हो सके। जिस पर जज ने बड़ा जबरदस्त बात की कि एक आता है तो दूसरा चला जाता है, ये किस तरीके की स्ट्रेटेजी है नून लीग की, तो उस पर उन्होंने कहा कि अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो यहां कल की समात से कल की एहतसाब अदालत में जो कुछ भी होता रहा उससे एक चीज तो वाजे हो गई कि नून लीग अब इन तमाम केसेस को फेस करेगी और हवाले से जितने भी ट्रायल्स होंगे उसका जवाब देगी। तो जनाब जैसे कि सबा ने बताया है सारे केस की डिटेल आपको दे दी है, सेम ही खबर यहाँ पर मेनली लगाई गई है। लेकिन जैसे कि मैं पहले बात कर रही थी कि सिर्फ जो कुछ हो रहा है कानूनी लिहाज से कानूनी एतबार से वो सब कुछ अपनी जगह, ये पेशियां हो रही हैं वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जो बयान दिए जा रहे हैं वो भी काफी इस वक्त जेर बहस है। और उसमें अहम बयान कुछ आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जिसमें नवाज शरीफ साहब का बयान सामने आ रहा है और उनका ये कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी इस बात को वाजे करती है कि ये एक इंतकाम किया जा रहा है बजाय ये कि एहतसाब हो। साथ ही साथ मरियम नवाज की जानिब से भी इसी तरह का बयान सामने आया कि जी हमें तो लगता है ये एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम हो रहा है। और एक और बयान यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैनामा अकामे पर क्यों खत्म हुआ, जजों को भी जवाब देना पड़ेगा। उनका ये भी कहना था कि हम गिरफ्तारियों से किसी तौर पर डरते नहीं है। इसी सब पर हसन नवाज का भी बयान यहाँ पर लगाया गया और उनका कहना है कि हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिस पर हमें इश्तिहारी करार दे दिया जाए। प्लस साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हमें किसी किस्म का कोई नोट जो है वो हमारे घर पर मौसूल नहीं हुआ। लंदन में 24 साल से हम वहां पर रह रहे हैं और हम वहां के शहरी भी हैं, तो हमें वहां पर अपने घर पर इस तरह का कोई नोट मौसूल नहीं हुआ। साथ ही साथ जनाब कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से भी आपको कुछ बताएं कि जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचे और उनके ऊपर उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और उनके नून लीग के कारकुनान ने काफी शोर व गुल भी मचाया, जिसके बाद अब नैब ने कहा है कि जिन लोगों ने शोर व गुल मचाया और इस कानूनी फैसले के ऊपर रुकावट डालने की कोशिश की है उनके खिलाफ अब हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज की गाड़ी के टैक्स चोरी में भी मुलविस होने का इंकशाफ सामने आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि नून लीग के लिए घेरा बड़ा तंग किया जा रहा है, लेकिन नून लीग बड़े प्लान के साथ बहुत ही प्रॉपर अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर रही है और हम देख रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन जो है वो मजीद क्रिटिकल से क्रिटिकल भी हो जा रही है। ठीक है, अच्छा इस सारे सिचुएशन के हवाले से तो हमने बात कर ली, नून लीग के लिए सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है, नून लीग डेफिनेटली मशावरती इजलास करेगी, आगे क्या करना है ये भी बताएगी। अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो मेन लीड लगी हुई है वो आर्मी चीफ के हवाले से लगी हुई है कि किसी को भी अपने एक्शन की गलत तशरीह नहीं करने देंगे। ऐसा कहना है आर्मी चीफ का, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग कामयाबियों से हमकिनार हो चुकी। इससे पहले भी हमने देखा कि हमारी जो पाक फौज है वो जितनी कुर्बानियां दे रही है, जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम तमाम चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी एक बात वाजे कर दी थी कि अगर हम पर जंग मुसलत की गई तो हम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमन की बात करना चाहते हैं। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस हवाले से सीज फायर होता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा ओवरऑल अगर सियासत के हवाले से बात की जाए तो आज कौमी असम्बली का इजलास है और दूसरी तरफ जहां पर नून लीग गिले शिकवे करती नजर आई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि PTI और पीपल्स पार्टी खामोश बैठे। तो पीपल्स पार्टी में कल बड़ी खसूसी गुफ्तगू की है चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने, फैसला अवाम का में, और उन्होंने कहा है साथ साथ कि जी मुझे अब इनके ऊपर एतबार नहीं रहा नवाज शरीफ के ऊपर। और मौलाना साहब ने कहा कि अगर मतलब उन्होंने मौलाना साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं कह सकता, तो फिर इस हवाले से उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की है, बड़ी तनकीद का निशाना बनाया नून लीग को और बड़े गिले शिकवे किए, और साथ साथ कहीं ना कहीं वो लगता है कि पीपल्स पार्टी अब गठजोड़ के लिए कहीं तैयार नजर नहीं आती है। अगर डॉन की बात करें तो डॉन में जो है यहाँ पर एक पिक्चर है जो कि हमने देखा कि कल रैली के हवाले से एक पिक्चर निकाली गई थी, फाटा रिफॉर्म्स प्रोटेस्टर नॉट कन्विंस्ड बाय PM इंश्योरेंस। हमने देखा कि फाटा के रिफॉर्म्स के लिए कल रैली निकाली गई और ये आगे तक फिर पहुंच गए, डी चौक तक भी पहुंच गए, तो उस हवाले से भी प्रोटेस्ट होता रहा। इस प्रोटेस्ट को, इस खबर को डॉन ने अपनी मेन लीड का
हिस्सा बना है। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक अहम बयान जो आपके साथ शेयर करूंगी, आज मेरे पास मुझे लगता है सारे बयान हैं अहम जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं, तो एतजाज अहसन का एक बयान है जिसमें उनका कहना है कि नैब को यानी एहतसाब अदालत को जो है वो जमानत या रिहाई का इख्तियार हासिल नहीं है। इस हवाले से हम आगे चलकर जरूर बात भी करेंगे क्या वाकई में नैब को यह हक है कि गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर रिहाई दे दी जाए, ये क्या नैब के इख्तियार में है या नहीं। एक तो ये अहम खबर है, दूसरी चीज जो आज अहम है और जिसको मेन हेडलाइन बनाया गया है वो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर है, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर रही थी कि उन्होंने बड़ा दो टोक और वाजे पैगाम दिया है और उनका कहना है कि हमारा अमरीका पर इन्हिसार के दिन अब गुजर चुके हैं, पाकिस्तान के अपने वसाइल जो है जब भी जरूरत पड़ी हम उनको बरोए कार लेकर आएंगे, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान की पॉलिसीज के हवाले से भी जो है वो उन्होंने काफी बोल्ड स्टांस अपना वाजे किया है। साथ ही साथ हम देख रहे थे कि अफगान अमन अमल में भारत को शामिल करने की अमरीकी ख्वाहिश के संगीन नतायज निकलेंगे, इस तरह का भी बयान उनका देना था। और साथ साथ ये भी कहा था कि आइंदा इलेक्शन अगले साल अवैल अगस्त में होंगे, नून लीग दोबारा जीतेगी, जबकि इमरान खान की जानिब से तो हमेशा से ये कहा जा रहा है शाहिद खाकान अब्बासी को कि वो पपेट वजीर आजम है, जो शख्स खुद वजीर आजम होके नवाज शरीफ को वजीर आजम बोले ऐसे वजीर आजम के बारे में। इमरान खान साहब की जानिब से कल हमने देखा कि बड़ा हंगामी इजलास बुलाया गया बनी गाला में, चेयरमैन नैब के हवाले से उनको बहुत ज्यादा तहफ्फुजात थे, तो यही सोचा जा रहा था कि नहीं एक दफा फिर से पीटीआई जो है वो कहेगी कि भाई हम इस फैसले के खिलाफ जाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि पीटीआई इस दफा थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई, यानी पहले देखो सुनो सोचो की पोजीशन में इस वक्त पीटीआई है और अब पीटीआई ये देख रही है, मतलब पीटीआई का मौकफ यह है कि जी देखते हैं ये जो चेयरमैन नैब आए हैं अब ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से जो है ये मुतासिर कुन साबित होती है नैब के ऊपर, नैब कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर इनकी तमाम तर इकदाम, तो पीटीआई बैकफुट पर है लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है और पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़ुज़ात का, खदशात का, गिलों का, शिकमों का भरपूर इजहार किया है। इस हवाले से हम डिटेल भी आपको बताएंगे लेकिन अभी चलते हैं कि आज मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, जिसके लिए हम रुक कर रहे हैं कहाँ का जनाब? सबसे पहले हम रुक करेंगे इस्लामाबाद का, लेकिन उससे भी पहले हम रुक करेंगे लाहौर का और जानेंगे कि आज लाहौर में किस तरह का मौसम है। हुमाबत हमारी नुमाइंदा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, शहर में क्या सियासी और सामाजिक सरगर्मियां होने जा रही हैं मौसम के अलावा ये भी बताएगा हुमा। जी, सियासी और सामाजिक सरगर्मियां भी बहुत हैं और अगर आप मौसम का जानना चाहते हैं तो मौसम यकीनन जैसा कराची का है ना, गर्मी लग रही है तो हमें भी बहुत गर्मी लग रही है, हमारे यहाँ पर भी मौसम अभी तक वैसे का वैसा ही है, सर्दी की ख्वाहिश थी और उम्मीद लग रही थी और लग रहा था कि शायद आ जाएगी सर्दी बहुत जल्दी, लेकिन अभी तक आई अभी नहीं आनी सर्दी, अभी नहीं आनी, अभी रहेगी सर्दी, गर्मी रहेगी अभी। हाँ तो बस वही हम लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं गर्मी को उसी तरह जिस तरह आप लोग बर्दाश्त कर रहे हो। और अगर सियासी समाजी सरगर्मियों का जिक्र करूं तो सियासी समाजी सरगर्मियों में मेन जो इवेंट है आज जिसका जिस दिन का आगाज़ होगा वो है फिरोजवाला में जब एक कत्ल हुआ वकील की फैमिली का, तो उसके बाद से आज जो है तमाम लॉयर्स जो हैं वो आज बायकॉट कर रहे हैं, स्ट्राइक होगी, तमाम काम जो है वो नहीं किया जाएगा और अदालतों का बायकॉट किया जाएगा, तो आज मेन इवेंट जो है यहाँ से शुरू होगा। लास्ट टाइम भी उन्होंने जब एहतजाज किया था तो वो स्ट्राइक जो थी वो स्ट्राइक नहीं रही थी बल्कि प्रोटेस्ट में चली गई थी और प्रोटेस्ट भी बहुत ज़रा तशद्दुद में चला गया था, तो आज देखते हैं कि आज इनका प्रोटेस्ट और स्ट्राइक जो है वो ठीक है, आज देखते हैं कि प्रोटेस्ट और स्ट्राइक में जो है वो क्या होता है आज, क्योंकि वकला की जानिब से आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, स्ट्राइक की जा रही है, तो अदालती कार्रवाई जो है मौतल रहेगी लाहौर में। रुक करते हैं इस्लामाबाद का और जानते हैं कि शहर इख्तदार में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आश ने उसके यासिर नजर। जी यासिर, बिल्कुल यहाँ पर तो हर वक्त सियासी एक्टिविटी जो है वो नजर आती है और खास तौर पे जो कोई भी दिन भी हो एक नए दिन के साथ सियासी सरगर्मियां शुरू हो जाती है और हमारी दौड़े जो हैं वो मजीद तेज हो जाती हैं। और आज भी इलेक्शन कमीशन में भी केसेस हैं, आशा गौरा लेई का केस है, इसके अलावा जो पार्टी फंडिंग के मामला उस हवाले से केसेस भी हैं, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज जहांगीर तरीन जो है इनकी नायली के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस हवाले से आज भी जहांगीर तरीन के जो वकील हैं वो अपने दलायल जारी रखेंगे। 11:30 बजे आज इस केस की समाअत होनी है, इसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास भी है और दीगर सियासी सरगर्मियां भी हैं, लेकिन जो जो दिन गुजरता है नई सियासी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं और हम भी रोजाना इनको कवर करते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताएं यहाँ का मौसम भी है अब हल्का ठंडा होना शुरू हो गया है, रात में जो एसी है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं और सिर्फ पंखे चलना शुरू हो गए और लग ये रहा है कि मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्दी की तरफ लौट रहा है। बहुत शुक्रिया यासिर नजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे शहर से जहाँ पर मौसम हो गया है खुशखबार, लेकिन कराची में ईद पे अभी भी जारी है गर्मी जो है वो ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में जून जुलाई वाली गर्मी आ चुकी है और काफी ज्यादा मौसम सख्त भी है। इस हवाले से मजीद भी आगे चलकर बातचीत करेंगे।
जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग. आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग. तो जनाब, आज अखबारात में एडिटोरियल्स में किन मौजूदात को जेरे बहस लाया गया है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग. आज क्या है हमारा आज का पहला एडिटोरियल? पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं सवा जंग में भी है, एक्सप्रेस में भी है, अफगानिस्तान में दाइश फैक्टर. ये हमने देखा कि हामिद करजई साहब ने, जो कि अफगान के साबिक सदर हैं अफगानिस्तान की, उन्होंने ये स्टार्टिंग रिवॉल्यूशन की एक बरतानिया के अखबार को इंटरव्यू देते हुए, और उन्होंने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं अमरीका पर. और उन्होंने कहा है कि अमरीका तो अफगानिस्तान में अमन के लिए आया था, 17 साल बीत गए, बजाय अमन के अफगानिस्तान में आज भी बदमनी है. और उन्होंने सबसे बड़ा सवाल जो वो किया कि दाइश, जब पूरा अमरीका अफगानिस्तान अमरीका के हवाले था, दाइश को पनपने का कैसे मौका मिल गया, उसको अफगानिस्तान में एंट्री का कैसे मौका मिल गया. फिर उन्होंने बड़े इल्ज़ाम भी ये लगाए कि खुद अमरीका दाइश को पाल रहा है, दाइश के लोग अमरीका की बेसिस पर हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर, यानी कि मिलिट्री रैंक के नहीं होते, वो हेलीकॉप्टर वो सप्लाई कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिसकी दही होनी चाहिए. 10 साल वो रहे हैं, खुद पाकिस्तान ने उनकी मेहमान नवाजी की है, 30 लाख अफगान महाजरीन की अभी भी हम मदद कर रहे हैं. तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका पर पहले से भी शुबा है, क्योंकि उनसे सवाल भी किया कि आप कैसे कहते हैं कि अफगानिस्तान का ये हाल है. उन्होंने कहा मुझे ये लोग बताते हैं, और आप खुद अफगानिस्तान का हाल देखें. जनरल मेटिस के टाइम जब उन्होंने दौरा किया अफगानिस्तान का, तो एयरपोर्ट पे हमला हो गया. अच्छा, यहाँ पर हामिद करजई ने जो बयान दिए हैं, ये कोई पहली बार नहीं है कि अमरीका के ऊपर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं. इससे पहले अगर हम बात करें कि अफगानी पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से भी कई बार इल्जाम लगाए गए अमरीका के ऊपर कि दाइश को अमरीका सपोर्ट कर रहा है. अब ऐसी सिचुएशन में अमरीका की जानिब से इस बयान को सीरियसली लिया जाता है या नहीं लिया जाता, क्योंकि पहले तो उन लोगों ने बयान को सीरियसली नहीं लिया. लेकिन आप समझते हैं कि आलमी इदारों को इस हवाले से कोई तहकीकात करनी चाहिए? वाकई में पाकिस्तान के हवाले से तो जब भी बात होती है पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका की अगर इन्वॉल्वमेंट के हवाले से अब आ रहे हैं इस तरह के इल्जाम, तो तहकीकात होनी चाहिए इस सब पर. देखें अनम, तहकीकात तो पहले भी बहुत हुई थी, जब अफगानिस्तान पे इन्वेड किया था उस वक्त, वो एक मास डिस्ट्रिक्ट इराक के वाले भी देखा था आपने, मास वेपन्स के हवाले से कितनी कहानी आई थी कि सबूत हैं हमारे पास. उसके बाद एक कमीशन ही बना, तहकीकाती रिपोर्ट ही बनी, उसके सरबराह ने अपने आप खुदकुशी कर ली थी जब उसको ये मालूम हुआ था कि बैकग्राउंड में है क्या, हालात क्या हैं, और अगर मैं इसको अफशा कर दूंगा तो मेरे ही हुकूमत के लिए, मेरे स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं. उन्होंने बजाय उस रिपोर्ट को रिवील करने के अपनी ज़िंदगी ले ली. ये तहकीकात का अंजाम हुआ था. और ये बातें तो हम देखते हैं कि बड़े पावर्स जो उनके ग्रैंड गेम होते हैं. अमेरिका ने एक छोटी सी मुकम्मल कर लूँ कि अमेरिका ने कश्मीर में जो अफगान जो करारदार थी अकवाम मुत्तहदा की, उसमें अमेरिका पार्टनर था, अमेरिका की उससे तौक्सी से हुई थी वो, लेकिन उसी दौरान अमेरिका ने भारत की भी मदद शुरू कर दी थी, जंग की लिहाज से, असलहे के लिहाज से. अगर चाहता तो उस वक्त मसला होता. अमरीका अपने असलहे की जो इसकी जो सनत है इसके लिए कहीं से कम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और सबसे बड़ा मसला अमरीका खुद है. सबसे बड़ा मसला अमेरिका खुद है. और यहाँ पर यह बात बड़ी काबिले जिक्र है कि एक बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो इस बात के ऊपर बात कर रहे थे कि हम जब बात करते हैं कि अफगान हुकूमत ने या उनके किसी भी सरबरा ने इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर कि वो दाइश को सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बात ओवरऑल एक परसेप्शन है अमरीका का कि वो इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है ताकि इन बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो कशीदगी रहे. लेकिन यहाँ पर यह बात भी काबिले जिक्र है कि अगर अमरीकन आर्मी अफगानिस्तान में मौजूद है तो अम कैसे होगा, क्योंकि अफगानी अमेरिकन से नफरत करते हैं. एक जनरल अफगानी जो है उसको अमेरिकन से नफरत है, तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप अमेरिका में आप अमेरिकन जो है वो अफगानिस्तान में जाके अम कायम करें? ये सारा जो अम कायम हुआ है, जितना भी अफगानिस्तान में जितना भी अमन आया ना नफीस भाई, ये पाकिस्तानी अफवाज की वजह से आया है जो वहां पर गई है. और अब अमरीका को सीधा सीधा अपनी नाकामी छुपानी है, ना वो अपनी फौजें वापस बुला सकता है और ना ही आगे ला सकता है. आपकी बात सही है. इसका एक सबूत ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि इसी हफ्ते हमारे पास खबर आई कि दो सुपर पावर रूस और अमेरिका अफगान अमल पर जो है वो इजलास बुला रहे हैं, और चार मुल्की इजलास से, शंघाई तआवुन कमीशन का इजलास से एक हफ्ते में. यानी कि आप रोहिंग्या का ट्रेजेडी देख लें, कश्मीर का मसला देख लें, कहीं किसी को इंटरेस्ट नहीं है. अफगानिस्तान के लिए हर दिल धड़क रहा है. और ये पावर्स क्या है इनकी? अमरीका नहीं चाहता कि वो अपनी बेस जो है मिलिट्री बेस जैसे कहते हैं अफगानिस्तान को, वो खाली कर दे. बिल्कुल नहीं खाली करना. अफगानिस्तान के हवाले से ये जो बयान लगाए गए, सब पर तो हमने बात की है, आगे चल के भी इस पर मजीद बात करेंगे. लेकिन एक दिन अभी पिछले दिनों 8 अक्टूबर को हमने एक दिन मनाया
नेचुरल डिजास्टर के हवाले से, और इस बात का अजम किया गया कि अब कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आता है तो पाकिस्तान उसके लिए तैयारी भी करेगा. क्या तैयारी की गई है? हर साल दिन मनाया जाता है, 12 साल गुजर चुके हैं सानहे को. कहाँ पर देख रहे हैं पाकिस्तान की कोशिशों को, काबिशों को? जो कहा जा रहा था बालाकोट को एक नया शहर बना देंगे, और अभी भी हमारी कुछ ऐसी इमारतें हैं, अगर खुदा न खासा वहाँ पर कोई हादसा पेश आता है तो क्या तैयारी है पाकिस्तान? बिल्कुल अनम, आपने बिल्कुल वही इदारियों की जबान को, यानी कि इदारियों का तर्जुमा कर दिया आपने. उन्होंने भी यही तमाम किया, जंग का भी है, एक्सप्रेस का भी है, कुदरती आफात और हमारे इंतजाम, क्योंकि हमने 8 अक्टूबर 2005 जलजले की 12वीं बरसी मनाई. हमने एक मिनट की खामोशी इख्तियार की, सायरन हुए, उन लोगों को याद किया गया जो जलजले में पैरिश हो गए थे. 1 लाख के करीब अफराद जो हैं वो इस जलजले से जान बाँक हुए थे. पूरा बालाकोट मलियामेट हो गया था, 95% इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया था. बड़ी बातें की गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट को कि हम अपने कुदरती आफात का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इंतजाम तो जरूरी है. हम इसके हवाले से जापान, और उसमें उस वक्त कहा गया था पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाके ऐसे फॉल्ट जोन पर हैं कि जलजले आएंगे मजीद उस पर अभी, लेकिन हमने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी. अब जापान की मिसाल ले लें, वहाँ तो जलजले एक मामूल बन गया है, लेकिन वहाँ पर एक तो उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं, वो उसी तरह से बनाई गई हैं. फिर वहाँ जो है स्विफ्ट सर्विस होती है, आप रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं. हमारे यहाँ अभी इदारती नोट ने कहा कि हमारी रेस्क्यू मशीनरी में चटाइयाँ शामिल हैं, जिसका हमने खुद अभी देखा था इस्लामाबाद में, मरकज में देखा था, मेन रेड जोन में जब आग लगी थी तो वहाँ फायर सिस्टम ही काम नहीं कर रहा. स्नॉर्कल नहीं है हमारे पास, कहीं आग लग जाए तो हम पास स्नॉर्कल काम नहीं करता, और एक में जो है वो पानी नहीं होता स्नॉर्कल के अंदर. अच्छा, अगर इसी डिजास्टर के हवाले से हम बात करें तो कहीं दूर क्यों जाए, अभी रिसेंटली कराची में बारिश हुई थी, क्या हाल हुआ था आप देखें, अभी तक उसके सम्राट जो है कराची की सड़कों पे हैं. कितना बुरा हाल हुआ था. इवन अगर बड़ी ईद की बात करें, बकराईद की बात करें, तो हमसे तो अलाइशें ही उठाई जाती हैं, तो हम डिजास्टर को कैसे फेस करेंगे? यही इदारती नोट कहते हैं कि आप दिन मनाएं, जरूर मनाएं, लेकिन जब तक आप अमली तौर पर इकदाम नहीं करेंगे अमरीका के जो इकदाम होते हैं, मैं डेफिनेटली चाहे जितने मर्जी इख्तलाफातों पर मैं जरूर सराहूंगी. अभी पिछले दिनों भी ये खबर आ रही थी कि उन्होंने अपना कोई 75 साल ब्रिज जो है वो न्यूयॉर्क में गिराया है, पुराना है और हमने इसको गिरा दिया, और पाकिस्तान में जब तक वो खुद से नहीं गिर जाता कोई भी हमारे गिरे हुए ब्रिज जो है वो नहीं बन पाते. छोटी छोटी हमारे यहाँ तो पुरानी बिल्डिंग सदर में मौजूद है, हमारे यहाँ तो पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर लोग रहते हैं, और आए दिन खबर आती है कि बारिश हुई तो फलां की छत गिर गई, बारिश हुई तो ऐसा हुआ. पता नहीं कराची में इंस्पेक्शन टीम क्या करी है, पूरे पाकिस्तान में इंस्पेक्शन टीम क्या करी है. बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब. मेरे ख्याल में एक बड़ा गौर तलब मसला है जिसके ऊपर एडिटोरियल हमने डिस्कस किया, लेकिन एक दिन हम इसके ऊपर पूरा शो भी करेंगे. चलिए जनाब, लेंगे यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद वापस आकर बात करेंगे कुछ पैरामा केस के हवाले से भी. डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग. और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह रही थी कि हम वापस आकर बात करेंगे पैनामा लीक्स के हवाले से, तो पैनामा लीक्स से शुरू होने वाली कानूनी जंग अब इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है. मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड एहतसाब अदालत में पेश तो हुए, लेकिन दोनों की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई. अदालत ने नवाज शरीफ उनकी साहबजादी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख भी तय कर ली है. गुज़िश्ता रोज़ समाअत पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एक दिन हाजिरी से इस्तिस्ना भी मिला, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद मियां साहब के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज फिर पेश न हुए, जिस पर अदालत ने उन्हें इश्तहारी करार देकर उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं और दोनों का मुकदमा भी अलग कर दिया है. मरियम नवाज कहती है कि पनामा पर चलने वाला मुकदमा अकामा पर खत्म हुआ तो फिर सवाल तो उठेंगे जिनका जवाब जज साहब को देना पड़ेगा. कानून की कुर्सी पर बैठने वाले फरीक बन जाए तो दलाइल सबूत की कोई हैसियत नहीं रहती. साबिक वजीर आजम के दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड को नैब हुक्काम एहतसाब अदालत लेकर आए, जहां कैप्टन सफदर के वकील ख्वाजा हारिस ने उनकी जमानत की दरख्वास्त जमा कराई. अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए 50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया, और साथ ही बैरून मुल्क जाने से पहले अदालत से इजाजत लेने की भी हिदायत की. दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि इनके मौक्किल अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए लंदन में मौजूद हैं, लिहाजा उनको 15 रोज के लिए हाजिरी से इस्तस्ना दिया जाए. अदालत ने नवाज शरीफ की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अगली समाअत पर तलब कर लिया, और साथ ही मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी. दूसरी जानिब नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज की अदम पेशी पर अदालत ने दोनों को इश्तहारी करार देकर दायमी वारंट जारी कर दिए.
एहतसाब अदालत में बच्चे पेश हों तो अब्बू गायब हो जाते हैं और अब्बू पेश हों तो बच्चे गायब हो जाते हैं। अब देखते हैं कि अगली पेशी पर सब साथ पेश होंगे भी या सिर्फ हसन और हुसैन नवाज अदालत में हाजिरी देंगे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद है सीनियर सहाफी सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि वजीर आजम के दोनों बेटों को अब इश्तिहारी करार दे दिया गया है और उनके दायमी वारंट की गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं, क्या होने वाला है इस केस में, क्या देख रहे हैं आप? देखिए ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा है, क्योंकि उनके वालिद पेश हो चुके हैं, उनके चचा पेश हो गए, उनकी बहन पेश हो गई, उनके भनोई पेश हो गए और बहुत सारे साहबदार साहब उनके साथ भी रिश्तेदारी उनकी वो भी पेश हो गए। अब चूंकि वो नैब की कोर्ट के बुलाने पर नहीं आए हैं तो अदालती प्रोसेस तो आगे चलेगा, जाहिर है वो अगर समन करने पर नहीं आएंगे, वारंट उनके जारी हुए वो नहीं आएंगे जी। तो फिर उसके बाद दायमी वारंट जारी करने का इख्तियार जो है वो अदालत के पास होता है और ये जारी हो गए हैं। उनका मौकफ अपनी जगह है कि वो चूंकि पाकिस्तान के शहरी नहीं है, बरतानिया के शहरी हैं और पाकिस्तान के कवानीन वहाँ नाफिज नहीं होते हैं। अब देखना यह है कि अदालत की भी मजबूरी है, होता यह है कि जब तक तमाम इल्ज़ाम अलग जिनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है वो इकट्ठे नहीं होंगे तो जो जो फर्द जुर्म है वो आयद नहीं हो सकती। लेकिन वैसे उनके पास ये ऑप्शन है कि वो इन मुतलका लोगों को अलहदा करके बाकी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दें और जब ये पेश हों अदालत में या इन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए इनके खिलाफ तब जो है फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। लेकिन ये कहना अभी कबल उस वक्त है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है, मुमकिन है अगली पेशी के ऊपर वो आ जाए, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी इस वक्त ये दिखाई देती है कि पीस मील में जाया जाए, कुछ लोग अब आ जाए कुछ फिर उसके बाद चले जाए ताकि एक वक्त में सारे इकट्ठे ना हो और ये अमल जो है अदालत का अदालती अमल जो है ये मुकम्मल ना हो पाए। अच्छा सर, अगली को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या चेंजेस आएंगे अगली समातों में, आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके की इनकी स्ट्रेटजी है कि जी वन ऑन वन अगर एक आता है तो दूसरा चला जाता है और अदालत की जानिब से भी अब तो यही रिमार्क्स दिए गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस दफा अब हसन और हुसैन नवाज आएंगे पेश होंगे? जैसे मैंने पहले कहा मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो किस्त वार आए, एकदम सारे इकट्ठे जो है वो अदालत में ना आए ताकि अदालती प्रोसेस जो है जो प्रोसीडिंग है उसमें थोड़ी सी ताखीर की जा सके। अगर ये स्ट्रेटजी है तो अलग बात है, लेकिन बजाहर ऐसे लगता है जैसे कि दोनों बेटे चूंकि बरतानवी शहरी हैं इसलिए मुमकिन है वो इस कोर्ट प्रोसेस का हिस्सा ना बनना चाहें, लेकिन ये अगली पेशीश पर ही तय होगा अगर वो ना आए तो। चलिए अब अगली पेशी, अभी सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी, लेकिन अभी जो अभी पिछली पेशी हुई है उसके अंदर नून लीग का मौके ये था कि जब कैप्टन सफदर साहब पाकिस्तान आए हैं और एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए वतन आए रहे थे तो उन्हें रस्ते में हिरासत से ले लिया गया, किस हद तक लगता है आपको उनका दुरुस्त मौके है ये कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? साथ ही साथ ये भी बताएगा कि मरियम नवाज कैप्टन सफदर रिटायर्ड को एयरपोर्ट पर नैब की टीम के रहमो करम पर छोड़कर आगे निकल गई थी, क्या वो पहले से ये जानती थी कि उनकी मंजिल जो है वो नैब रावलपिंडी का सैली होगा? इसमें ये अदालती निजाम की बात है, चूंकि उनके बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी अदालत नैब की अदालत जारी कर चुकी थी, लिहाजा वो जब भी पाकिस्तान की सरजमीन पे आते उनका गिरफ्तार होना अदालती प्रोसेस का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है। और ये बात अच्छी तरह से यानी मरियम नवाज को भी मालूम थी, नवाज शरीफ को भी मालूम थी और यहाँ उनकी पार्टी के जो दीगर रहनुमा उन्हें रिसीव करने के लिए वहाँ आए हुए थे उन्हें भी पता था कि वो जब लैंड करेंगे यहाँ पर तो उन्हें नैब की टीम ऑलरेडी मौजूद थी वहाँ गिरफ्तार करने के लिए और वो उन्हें वहां से सेल लेके जाएगी और अगले दिन जब वो सुबह पेश हो जाएंगे तो फिर उनकी जमानत हो सकती है। और ऐसा ही हुआ, आपने देखा कि रात को उनको वो गाड़ी जो है नैब की आई हुई बख्तरबंद गाड़ी में वो उसको ले गए, थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है वो पार्टी के वर्कर्स ने वहां की, लेकिन ये सबको पता था कि इन्हें सेल में जाना तो एक दफा पड़ेगा। और गालिबन यही वजह है कि मरियम नवाज भी चूंकि इससे अवेयर थी, उन्हें मालूम था ये, तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई एम्बिगुटी या इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मरियम नवाज को कहीं ना कहीं पता था कि इस तरीके से जो है वो नैब की टीम आएगी और फिर वो लेकर जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो कह ही चुके थे कि सुबह हम जमानत करा लेंगे क्योंकि वो खुद रजाकाराना तौर पर पेश हुए। अगर नैब के चेयरमैन के हवाले से हम बात कर लें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में बिलाखिर इत्तेफाक हो गया और जो हम आफ्ताब सुल्तान साहब के हवाले से बातें सुन रहे थे वो भी कहीं पीछे चली गई और जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो है वो नैब के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब नैब जो शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, कार्रवाई मुतासिर होने का अंदेशा है, इसके नतायज कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि ये नैब के चेयरमैन की इनकी मर्जी से और पीपल्स पार्टी की मर्जी से
पहली दफा नामजदगी नहीं हो रही है। इससे पहले जो नैब के चेयरमैन थे कमरुज़्ज़मान चौधरी, वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की मशावरत के साथ एज ए ज्वाइंट कैंडिडेट मुश्तरका या मुत्तफिका कैंडिडेट के तौर पर आए थे और यही अब हुआ है। देखना यह है कि वो जिस तरीके से भी अपने दफ्तर में बैठ के काम का आगाज करेंगे या प्रोसीड करेंगे आगे, उसके ऊपर अपोजिशन खासतौर से इमरान खान की पार्टी जो है उसका रद्द अमल क्या आता है। अभी कुछ कहना कबल उस वक्त है। वैसे जहाँ तक उनका ताल्लुक है जस्टिस जावेद इकबाल का, वो एक साबिक जस्टिस हैं, बहुत मजे हुए आदमी हैं। उन्होंने एबटाबाद ट्रायल जो है उसका उसको भी मंजिल तक पहुँचाया था और मैं खुद भी उनकी अदालत में पेश हुआ था जब वो प्रोसीडिंग चल रही थी मेमोगेट की। तो ही इज़ ए कॉम्पिटेंट जज, तो हम उम्मीद करते हैं कि इत्साब जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में और सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होगा, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अक्रॉस द बोर्ड सबकी होगी, तभी वो कामयाब नैब चीफ कहलाएंगे। बरीम साहब, ऐसे भी कहा जा रहा है कि कानूनी मामलात पर उनको कमान बहुत ज्यादा बेहतर तौर पर हासिल है और ये पहला नाम है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है तमाम जमातें इत्तेफाक भी कर गई हैं। वेल, जावेद इकबाल की अगर शख्सियत के बारे में हम कुछ बात करें, किस तरह से आप उनकी शख्सियत को देखते हैं, खासतौर पर जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया कि एबटाबाद कमीशन के भी वो सरबराह रह चुके हैं, तो आपके ख्याल में अब नैब का इदारा उनकी सरबराही में कैसी परफॉर्मेंस देगा? मैंने जैसा पहले कहा कि मैं खुद उनके सामने पेश हो चुका हूँ, ही इज अ कॉम्पिटेंट जज, लेकिन अब आने वाले वक्त में रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज बदल गई हैं। अकाउंटेबिलिटी का एक नया यानी बाब हम देख रहे हैं। माजी में जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी हुई वो आपके सामने है। पहले तो प्ली बार्गेन सबसे बड़ा एक एंटी जस्टिस एलिमेंट था जो नैब के पास था, उसमें नैब के लोग जो है वो पैसे भी बनाते थे, वो बनाते तो अभी भी रहेंगे क्योंकि लॉ तो नहीं बदला है बेसिकली। लेकिन ये सब कुछ जो है ये केस टू केस बेसिस देखना पड़ेगा कि वो हाउ ही कंडक्ट हिमसेल्फ एज अ जज, और खास तौर से चूंकि ये काफी बदनाम हो चुका हुआ है ये ऑफिस जो है उनका, कमरुज़्ज़मान चौधरी के ऊपर मुख्तलिफ अतराफ से बहुत से एतराज़ात उठाए गए, कहीं कहा गया वो कॉम्पिटेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी काफ़ी सरजनिश की। तो अब देखना यह है कि जस्टिस जावेद इकबाल चूंकि जुडिशरी का हिस्सा रहे हैं पहले, जी बिल्कुल, तो उनके शोल्डर्स के ऊपर जो है भारी जिम्मेदारी है क्योंकि नैब के ऊपर इतनी ज्यादा जो है वो पॉइंटिंग हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। अच्छा, वजीर आजम नवाज शरीफ शाहिस्ता खान अब्बासी ने जो है दो टोक बात की है अमरीका के लिए, तो सर आपको भी दिखाते हैं और हम भी सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। वो वक्त गुजर गया है जब पाकिस्तान अपनी फौजी जरूरियात पूरी करने के लिए अमरीका पर इन्हिसार करता था। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग लड़ी, दुनिया को इसका एतराफ करना चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने अरब टीवी को इंटरव्यू में वाज़े कर दिया। We are fighting a war against terror with our own resources. There is this fallacy that there is some international support. This is nothing. So Pakistan is really today fighting the world's war. Not a world war, but the world's war against terror. And like I said, we have been fighting a war against terror. Even today, 200,000 of our troops are deployed. We have 6,500 shaheeds in the army. We have 21,000 of our citizens have been killed, including police personnel. Almost 35,000 people have been injured seriously. So it's been a very hard and very vicious war against terror that Pakistan, and nobody has fought a bigger war against terror than we have. अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा कोई भी अफगानिस्तान में कयाम अमन का ख्वाहिशमंद नहीं। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी फौज के पास अमरीकी असलह के साथ साथ चीनी और यूरोपियन सिस्टम भी है, हाल ही में पहली बार रूसी जंगी हेलीकॉप्टर हासिल किए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान को हमसायों की जानिब से चैलेंजेस के अलावा दहशत गर्दी का भी सामना है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अब तक कई जंगें लड़ी, भारत ने हमारे हिस्से कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, माशी मसाइल भी साथ साथ हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने पाक अमरीका ताल्लुकात के बारे में कहा कि नायब सदर माइक पेंस के साथ मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई, उनके जो भी खदशात हैं इन्हें खत्म करने को तैयार हैं। चले जी, उनका इंटरव्यू तो आपने सुना है जो उन्होंने अर्थ न्यूज को दिया है। इस वक्त सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बातचीत करते हैं। सलीम साहब, ये बताएगा कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अर्थ न्यूज को ये जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि फौजी और दीगर जरूरतों के लिए पाकिस्तान का अमरीका पर इन्हिसार जो है वो अब मुख्तसर हो चुका है, ये दौर खत्म हो चुका है। क्या वाकई में ऐसा है? इस बात में कितनी सदाकत है? मैं समझता हूँ इसके ऊपर जितनी भी तारीफ उनकी की जाए वो कम है, इसलिए कि बहुत तवील अरसे के बाद किसी एक प्राइम मिनिस्टर में जरूरत हुई है कि वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को दो टोक अल्फाज में बता सके
कि हम अब आपके मोहताज नहीं है, इसलिए कि चीन की सूरत में और अब रूस के साथ जिस तरह से हमारी कुर्बत हो रही है, हमारे नए रास्ते खुल रहे हैं लीन बैक करने के लिए, पीछे टेक लगाने के लिए हमें अब दूसरे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। हमारा मुकम्मल दारोमदार अब चूंकि अमेरिका पर नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से खाकान अब्बासी, जिन्हें आम हालात में हम समझ देंगे वो बहुत ही शरीफ और नफ्स आदमी, बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी है, लेकिन जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया है अमेरिका के साथ, जिसके दो बहुत सीनियर अहलकार अभी पाकिस्तान आने वाले हैं, डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, और वो चूंकि डू मोर मंत्रा साथ लेके आ रहे हैं, तो उनके आने से पहले मेरे ख्याल से इस लहजे में और इन अल्फाज के साथ उनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहना जो है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा ओमन है। पाकिस्तान इस वक्त आलमी हालात में जिस तरीके से घिरा हुआ है, हमारे इर्द गिर्द जिस तरह की साजिशें हो रही हैं, मेरे ख्याल से अब वक्त है कि हम अपने कदमों पर खड़े होके और अपने वसाइल को सामने रख के अब वो इत्तेहादी के ख्वाब जो हैं कि हम उनकी 70 साल तक खिदमत करते रहे और बिलाखिर जाके उनकी फ्लर्टेशन भारत से शुरू हो गई है, अब हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से हमें आंखें खोल लेनी चाहिए, हमारी क्यादत की भी आंखें खुल जानी चाहिए और हमें वो फैसले करने चाहिए जिनमें पाकिस्तान का मुफाद जो है वो हो और जाती मुफाद ना हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि खाकान अब्बासी ने ये लबो लहजा इख्तियार करके बिल्कुल पाकिस्तान को अब बात देखना होगा। सलीम बुखारी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। टाइम क्योंकि कम था वरना मैंने उनसे ये पूछना था कि हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर तो नून लीग के हैं, तो वो वजीर आजम नवाज शरीफ जब थे अपने दौर में वजीर आजम थे, तो तब उन्होंने इतनी दो टोक बात अमरीका से क्यों नहीं की और क्या ये पॉलिसी मुस्तकिल बुनियादों पर है कि अब हम अमरीका पे इन्हिसार नहीं करेंगे। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। नहीं, अब्दुल बासित की फांसी पहले भी कई बार इस तनाजे की वजह से मौखर हो चुकी है। कानून में माजूर अफराद को फांसी देने का तरीका वाज़े नहीं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। जस्टिस प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान की हेड ऑफ कम्युनिकेशन रिमल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है। रिमल, सबसे पहले तो वेलकम टू, गुड मॉर्निंग आज। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये ओवरऑल जो डेथ पेनल्टी जैसे जो भी सिनेरियो है पाकिस्तान में स्पेशली, उस पर आपकी क्या मौकफ है, आपकी पॉलिसी क्या है इसके ऊपर? जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जहाँ पे हम सजाए मौत पे जो कैदी होते हैं, जो उनमें से सबसे वल्नरेबल लोग होते हैं, यानी कि वो लोग तो डिफेंड नहीं कर पाते, जिस तरह के जो लोग जहनी बीमारी में मुब्तला हैं, जुवेनाइल ऑफेंडर्स जो होते हैं, मतलब कि जो 18 साल की कम उम्र रखने वाले लोग होते हैं, और वो लोग जो मतलब फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, जिस तरह आपने बासित के भी कहानी देखी, इस तरह के लोगों के बारे में, लोग इस तरह के कैदियों पर हम काम करते हैं और हम उन लोगों के भी काम करते हैं जो पुलिस तशद्दुद के विक्टिम्स होते हैं उनके। तो हमारी ये राय है कि अभी जो सिस्टम है हमारी, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें जब तक एक डिटेल्ड रिफॉर्म नहीं होता, वहाँ जब तक ये होगा तब तक गलतियाँ होती रहेंगी। एक इम्परफेक्ट सिस्टम इम्परफेक्ट रिजल्ट्स आपको देगा। तो इस तरह के नतीजों के जरिए हम कहते हैं कि 480 लोग हमने लोगों को हमने फांसी दी है दिसंबर 2014 से, लेस देन 3 इयर्स, मतलब कि हम कम से कम हर हफ्ते 4 कैदियों को सजाए मौत दे रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इन वो जितने भी लोग हैं, इनकी हमें कहानियां नहीं पता, इन्हें हमें हमारे इनको उनको हमें पता नहीं है कि इनकी सिस्टम के कि किस तरह उन पर क्या गुजरी जो इस मुकाम पे ये पहुंचे। तो जब तक हम इस सिस्टम को ठीक नहीं करते, फांसियों पर अमल दरामद अभी अमल नहीं करना, तो ये है हमारा। अच्छा रमल, आपकी बात से मुझे वो मूवी याद आ गई जो पाकिस्तान में भी आई भी थी, बोल, और उसके ऊपर भी काफी उन्होंने बातचीत की थी। और डेफिनेटली इस तरह के केसेस के ऊपर हमें भी चाहिए होता है कि कोई ऐसा इदारा हो जो इस तरह के केसेस को बिल्कुल कैटर करे। अच्छा, अब्दुल बासित के अगर केस की मैं बात करूँ, तो अब फर्दर क्या आप लोग करने जा रहे हैं, किस तरह से उनके केस को आगे फॉरवर्ड करेंगे? अब्दुल बासित के 2015 में और 2016 में भी, मतलब कि टोटल 3 डेथ वारंट्स आ चुके हैं, मतलब कि 3 दफ़ा इस अब्दुल बासित को फांसी देने की कोशिश की गई है। और जब भी हमने किया है, ये पहले हाई कोर्ट ने इशू किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये जेल मैनुअल के तहत ये नहीं फांसी होती, मतलब कि जब तक ये एक बंदा चल के नहीं जा सकता फांसी के फंदे तक, तब तक ये फांसी हो ही नहीं सकती। तो अब हम एक ऐसे ग्रे एरिया में आ गए कि अभी किसी को, एक बंदे को जो बंदा चल नहीं सकता, वो उसको फांसी किस तरह दें। तो इसलिए हमारी अब ये रिक्वेस्ट है, हमारी दरख्वास्त है कि जो सदर ममनून हुसैन है, वो इनकी रहम की अपील को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अब दो बासित की जो क्राइम थी वो अपनी जगह पे है।
लेकिन 2010 में जब बासित एक चलता फिरता आदमी जेल में गया है और वहां पे जेल नेग्लिजेंस की वजह से उनको अब नाउ ही इज पैरालाइज, ही विल नेवर वॉक अगेन अकॉर्डिंग टू अ 2015 गवर्नमेंट मैंडेटेड मेडिकल बोर्ड. ओके, अब 2015 अब वो डबल पनिशमेंट हो गया, तो अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इस बासित को अब माफ, बासित की अब राइट टू अपील, जो उसकी राइट टू मर्सी है, वो करें. अच्छा ठीक है, बिल्कुल. आपका इदारा जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, आपका इदारा बेसिकली उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो वाकई में मजबूर होते हैं या जेल में उनको मदद चाहिए होती है, उनके पास वकील नहीं होते, उनको दीगर सहूलियात नहीं मिलती, तो यू हेल्प पीपल एज वेल. ये ओवरऑल आपने जो कैंपेन चलाई थी कराची से लाहौर एक बस के हवाले से जो आपने चलाई थी कैंपेन, उसका ओवरऑल पर्पस कैसा था, ओवरऑल जर्नी कैसी रही, फीडबैक कैसा आया? थैंक यू सो मच, आपने हमारे कैंपेन के बारे में बात की. कैंपेन का ठीक बस पे हम बस पे हमने बस कर दो. आकाशा, मैंने आपको तस्वीरें भी भेजी होती हैं, काफी खूबसूरत बस है. जो बस हमने चलाई थी लाहौर से लेके कराची तक, लाहौर से हम पहले हमने बस पार्क की और हम इस लाहौर के इस बस के अंदर हमने एक हमारा प्ले है इंतज़ार, जो हमने जोकर थिएटर के साथ बनाया था, जो हम मुख्तलिफ शहरों में लेके जा रहे हैं, उन शहरों में जहाँ पे सेंट्रल जेल्स होते हैं. क्यों? क्योंकि सेंट्रल जेल्स में फांसियाँ बाकी जेलों में नहीं होती, तो हम इन कम्युनिटीज के अंदर इस बस को लेके गए, पार्क किया, वहाँ पे हमने ये पूरा प्ले स्ट्रीट थिएटर की तरह हमने एक परफॉर्म किया, ताकि जो और जो इंतजार जो प्ले है वो हमारे कैदियों की कहानी पे बेस्ड है. अच्छा, कहानी पे बेस्ड है, तो मतलब कि हमने और वो बिल्कुल एक इस तरह से हमने सेटअप किया जिस बताते हैं कि ये जुर्म था. हम ये नहीं कहते कि जुर्म की ट्रेजेडी को एक्नॉलेज किया ही ना जाए, बिल्कुल एक जुर्म हुआ है, लेकिन फिर उस सिस्टम को भी आगे देखना चाहिए. बिल्कुल सही कह रही हैं, तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर जस्टिस. इस हवाले से हम मजीद भी बात करते हैं. इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित की वालिदा ने भी, उनकी जानिब बढ़ेंगे और उनसे बात करेंगे. वालेकुम मिस्टर जी, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब्दुल बासित की फांसी को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और अब वो ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो पैरालाइज है और डेथ पेनल्टी भी उनके ऊपर ही है, क्या मुतालबा है, कहना चाहेंगे आप? मेरा ये है कि अब अब्दुल बासित जो है वो मतलब एक आधा इंसान रह गया है, आधा तो वो खत्म हो चुका है, आधा वो रह गया है, वो बाजुओं की पावर जो है वो भी आस्ते आस्ते कम हो रही है. तो मेरी ये इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा सदर पाकिस्तान सदर ममनून हुसैन को, अजम पाकिस्तान को, ये मेरी इल्तिजा है साहबान को कि मेरे बेटे की ये अपील जो हमने की है उसको मंजूर किया जाए और उस पर रहम किया जाए, क्योंकि वो आधा इंसान जो है वो वैसे ही साफ आ रहा है, ये बात है, लेकिन उसकी हालात जो है वो पहले तो जो मतलब आधी आधी बॉडी का जो मसला है, जो मसायल है, 10 बीमारियां तो उसको लग चुकी है और वो भी आस्ते आस्ते खत्म हो रही है. तो बस मेरी यही है इल्तिजा है कि जी ठीक है, आप वो मंजूर की जाए. अच्छा, आपकी जो अपील है, आपकी जो इल्तिजा है, वो डेफिनेटली हुकामे वाला तक पहुंच गई होगी और इंसाफ के पूरे तकाजों को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ जो भी सिलसिलेहमी की जाएगी वो की जाएगी. अच्छा ये बताइए कि आप जाती हैं जेल, उनसे मिलती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, आपका ओवरऑल जब उनसे बात होती है तो उनका क्या कहना है? बस जो अपने बारे में पूछते हैं और अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं कि मेरी मतलब वो बन रही है ऐसे, वो पेट में हरनिया वगैरह जो बाहर जो मतलब जेल हुकाम है उनका रवैया उनके साथ कैसा है, ओवरऑल बाकी चीजें कैसी हैं जेल में? जी ठीक है, जैसे सब कैदियों के साथ होता है वैसे ही होता है, कोई मतलब पता ही है सबको जिस तरह की जेल होती है. बिल्कुल, जेल के हालात से तो मेरे ख्याल है सभी वाकिफ है. मैं ये जानना चाहूंगी कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं अब्दुल बासित की इस वक्त मेडिकल रिपोर्ट जो है वो क्या कह रही है? मेडिकल रिपोर्ट तो भी सबको पता ही है, जैसे वो मतलब उस तरह उसकी पैरालाइज तो है ही है, तो बाजू तो डॉक्टर्स की जानिब से कोई उम्मीद नहीं दिलाई जा रही कि उनकी हालत बेहतर हो सकती है या कोई वक्त के साथ साथ कोई बेहतरी देखने में आए? मतलब यही है कि लाइलाज है, हर बंदे ने यही कहा है कि लाइलाज है, क्योंकि पैरालाइज खत्म हो चुका है, उसको यूरिन का नहीं पता, उसका किसी चीज का नहीं पता. अच्छा बिल्कुल ठीक है, आप सेंसरी ऑर्गन्स ही नहीं है और पैरालाइज हो चुके हैं, ठीक है. अच्छा ओवरऑल आप ये बताएं कि कब से, एक दफा फिर से बताएगा कि कब से वो जेल में है और किस तरीके के बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, ये सब बताएं. दो बेटे हैं उसके, एक बीवी है. अच्छा, माँ है, मैं हूँ और बहने हैं और भाई है.
सही, तो आपने उनके वाले से किया, कोई वकील किया उनका केस लड़ने के लिए? जी बस आपको पता ही है कि इंसान के पास जो कुछ होता है, जिस तरीके से उसको करता है बेच बूझ के जो ही करके, तो काफी कोशिश हर बंदा करता है जितना एक वो कर सकता है, तो इतनी तो की है हमने। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, और हम दुआ करते हैं कि आपको इस केस में मिले और डेफिनेटली जो इंसाफ के तकाजे हैं वो जरूर पूरे भी हों। बहुत शुक्रिया, आप हमारे रमल भी हमारे साथ है। रमल, वालिदा के जज्बात मेरा ख्याल है उनकी आवाज से ही पता चल रहे थे, और जो पेन जो तकलीफ उन्हें इस वक्त है अपने बेटे को इस हालत में देख के, क्या कहेंगे? देखिए, इन्हीं जैसे लोगों के लिए तो हम काम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंसाफ है वो सिर्फ अमीरों के लिए, मतलब कि आपको कोई भी अमीर बंदा सजाए मौत के पे नहीं मिलेगा। ठीक, अब इस तरह की, अब बासित की जो फैमिली है उन्होंने, मतलब कि बासित की एक बीवी है जिसने उन्हें बताया, और उनकी उनकी वालदा हैं, तो जब बासित का जब केस चल रहा था तो वो सिर्फ दो औरतें थीं जो इनको कोर्ट्स में, जिनको उनका पता नहीं होता, जिन मतलब कि मुझे भी नहीं, अब तो जब से जब जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान को ज्वाइन करने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि कोर्ट्स में क्या होता है, सिस्टम क्या होती है, मेरे हकूक क्या हैं, इनको भी नहीं पता। और फिर दे रिलाई ऑन लॉयर्स, जिनको जो सिर्फ मतलब कि काफी लोग, मतलब कि स्टेट लॉयर्स, पाकिस्तान इज ऑब्लिगेटेड टू गिव यू स्टेट अ लॉयर एट स्टेट एक्सपेंस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लेकिन वो लॉयर्स बहुत ओवरबर्डनड होते हैं, वो अंडरपेड होते हैं, तो वो क्यों करेंगे आपके केस पे इतना काम, उन्होंने हर रोज इस तरह के उनको केस उनके सामने आते हैं। सही, तो फिर अब इनके लिए अगर हम नहीं काम करेंगे बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अच्छा, आपने कहा कि डेफिनेटली अब वो पैरालाइज हैं और वो अब बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो उसके ऊपर डेथ पेनल्टी की जो हिल है जिस हवाले से वो एक्सेप्ट की जाए और उनको एटलीस्ट जो है वो दूसरी सजा पे लाया जाए, तो आप क्या समझते हैं, क्या अल्टरनेटिव क्या होता है? क्योंकि अगर सजा माफ भी कर दी जाए तो जेल में एनवायरनमेंट तो वही सारा टेररिस्ट के साथ होता है, और फिर अगर जेल से छूटते तो माइंडसेट तो वही होता है। देखिए, आप ये केस बाय केस के बेसिस पे देख, अब जिस तरह बासित का केस है, बासित नीड्स टू बी इन अ हॉस्पिटल। ठीक, बासित को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि उनको जरूरी है कि उनकी राइट टू एटलीस्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया, हॉस्पिटल कम से कम शिफ्ट किया जाए। और जिस तरह हम देखते हैं कि जो ज़हनी बीमारी में जो लोग मुब्तला होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उनको अगर आप सबको एक मतलब कि जानवरों की तरह एक सेल में रख देंगे तो फिर कोई भी बीमार। अच्छा, मैं ट्रीटमेंट की बात करना चाह रही थी कि जो तमाम लोग जेल में मौजूद होते हैं साइकोलॉजिकली उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, जिसने जुर्म किया और जिसने नहीं भी किया, पर अगर आप उनको इकट्ठे रख रहे हो तो वहां पर इस तरह की चीजों की बड़ी जरूरत होती है कि अखली तौर पर भी उनकी ग्रोथ को मफलूज ना करें। इस हवाले से पाकिस्तान में हमारे जेलों के अंदर क्या सेटअप है, कोई साइकेट्रिस्ट या कोई डॉक्टर ऐसा होता है जो उनकी इन तमाम केटर करने के लिए वहां पर मौजूद? आई थिंक जेल साइकेट्रिस्ट होते हैं और वार्ड्स मेंटली इल प्रिजनर्स के लिए भी सेपरेट उनको अलहदा रखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी उनको इकट्ठे रखा जाता है। और एक जेल मतलब के पाकिस्तान में, दिस इज अ जनरल प्रॉब्लम पाकिस्तान में, जो मेंटल इलनेस पे जिस तरह बात होती है, मतलब कि काफी लोग होते हैं, इतने कैदी होते हैं जो पहली दफा उनको डायग्नोज किया जाता है वो जेल के अंदर होता है। अच्छा, रिमल, स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में जेल का या जस्टिस का, जो भी एक पैरामीटर्स है उसमें हम अगर जेल टू जेल वेरीफाई करें तो वेरियस जेल हैं। किसी जेल में जो है वो कैदी सर उठा के पुलिस के ऊपर चढ़े होते हैं, जेल में ऐसा होता है कि बेचारे कैदियों के ऊपर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा होता है, तो आप डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कौन सा जेल में जो है कैदी वो बेहतर हालात में और अपनी जुर्म के मुताबिक सजा पा रहा है, या कौन सा कैदी जो है वो बेचारा किसी जुर्म नहीं किया लेकिन उसके ऊपर केसेस पे केसेस डाल दिए गए। तो इस हवाले से जो एक ओवरऑल अवेयरनेस होती है, जैसे कि आपने कहा कि एक आपने पूरा बस चलाई, तो उस हवाले से आप कुछ इस तरह की अवेयरनेस जनरेट करते हैं कि कुछ हाल बेहतर हो जाए हमारी जेलों का? जी जी, तो हम जो हमारा एक पेन चल रहा है पिछले साल से, उसका नाम है ब्रिंग इट बैक, मतलब कि बाय इट आई मीन द मॉरेटोरियम ऑन द डेथ पेनल्टी। जो सर मैंने आपको बताया पहले कि सजाए मौत के सजाए मौत पे जब तक ये हम पूरी सिस्टम जेलों से लेके कोर्ट से लेके ये पूरी सिस्टम को हम जब तक पूरी तरह ठीक तरह नहीं रिफॉर्म करते, मतलब कि देखिए एक भी इनोसेंट बंदा अगर जाए सजाए मौत पे, उसको सजाए मौत मिल जाए एक भी, और ये पाकिस्तान में हुआ है एक भी हो, तो उस पे उसकी वही वजह है जबकि मॉरेटोरियम को सजाए मौत पे वापस ले जाना चाहिए। पिछले साल अक्टूबर में एक खबर चली थी कि बहावलपुर में दो भाई थे जिनको सजाए मौत दी गई थी पिछले साल,
एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्विट कर दिया, एग्जैक्टली बाय द बरी कर दिया। तो ये उस फैमिली पे क्या गुजरी जो पिछले 7 सालों से आगे पीछे सुप्रीम कोर्ट तक आना अब इनके लिए आसान। अच्छा रिमल, इसमें बड़ी ना एक बारीक सी लाइन है, एक बड़ा बारीक सा डिफरेंस है। जो लोग डिजर्व करते हैं, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया होता या बेगुनाह होते हैं, उनका जो केस है वो जैसे कि फांसी देने के बाद उनको बरी कर दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग वाकई डिजर्व करते हैं कि उनको जो है वो डेथ पेनल्टी तक लेके जाया जाए। बात इस तरह होते हैं, मुजरमाना उनकी हरकत सकनात होती है, तो इससे ये नहीं होता कि एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि जी अगर आप खत्म ही कर देते हैं ओवरऑल तो फिर तो वो सबके लिए मुआशरे के लिए भी मुसीबत हो सकती है, उसमें तो फिर वो लोग भी सरगर्म हो जाएंगे जो वाकई में मुजरम है। ये जो सजाए मौत की जो हमने एक हमें बताई जाती है कि अगर सजाए मौत होगी तो जुर्म कम हो जाएगा, सजाए मौत होगी तो दहशतगर्दी कम हो जाएगी, लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन आप डेटा को देखते हो और आप वाकई रिसर्च करके आपको पता चलता है कि जुर्म के रेट्स क्या है, जो पहले सजाए मौत के होने से पहले क्या थे, मौत होने पर अमल होने के बाद क्या रेट्स थे, वो उन सब में पता चलता है कि कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। बल्कि सिंध में आई थिंक सिर्फ 4% एग्जीक्यूशन, सिर्फ 4% होती है एग्जीक्यूशन में, और बाकी जो 83% एग्जीक्यूशन वो सारी पंजाब में होती है। लेकिन मर्डर रेट्स जो है पंजाब में सिर्फ 9.7% डिक्रीज, लेकिन सिंध में 25%। बिल्कुल रमन, आप सही कह रही हैं, जो परसेंटेजेस आप बता रही हैं ये तो वाले से परसेंटेज ओवरऑल आपके पास इसके डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन क्राइम की अगर बात की जाए तो क्राइम मेरा ख्याल है ओवरऑल विद इन पाकिस्तान हर सूबे में एक ही तरह की है। इवन कराची में तो हम देखते हैं कुछ ज्यादा ही क्राइम केसेस रिपोर्ट होते हैं। बस बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ही रमन, और अहम मौजू पर अब्दुल बासित के अहम केस के ऊपर हमने बात की है रमल से, और उनका मौके जाने की कोशिश की है क्योंकि उन्हें फांसी दी जा रही है, पर उनकी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि उन्होंने रहम की अपील भी की है। अब देखते ही हैं कि इनके केस में इंसाफ के तकाजे किस तरह से पूरे होंगे, कर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग, और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची में बढ़ती हुई गर्मी के हवाले से। अक्टूबर कराची वालों पर भारी पड़ गया, समंदरी हवाएं ना चलने और सूरज की तपश से शहर कायद इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस भी शहरियों की चीखें निकल गई हैं। कराची का पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि आपको बताएं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए शहरियों को क्या जरूरी इकदाम करने चाहिए, इस हवाले से हमारी आइए वो दिखा। कराची आ गया शदीद गर्मी की लपेट में, खुश्क मौसम और तपती धूप ने किया सबको पसीने से शराबोर। इन हालात में कुव्वत मुदाफियत में कमी के शिकार अफराद हीट स्ट्रोक की लपेट में जल्दी आ सकते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जब इंसान के जिस्म का दर्ज हरारत 39 डिग्री से बढ़ जाए तो हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक की अलामत में बुखार, जरूरत से ज्यादा पसीना आना, कमजोरी और कपकपाहट शामिल है। माहिरीन का कहना है कि गर्म मौसम में खुसूसन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के दौरान लोग गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। हीट स्ट्रोक की सूरत में पानी का ज्यादा से ज्यादा सायेदार जगह में रहना और सर को ढांपना इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल सब, इस बार तो मुझे लगता है कि कराची में गर्मी ने निकलवा दिए गर्मी, और कराची में हम देख रहे हैं कि बार बार से ये हीट वेव आती है और इसकी वजह क्या है ये अब तक समझ नहीं आई। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में इनफैक्ट हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद है प्लांटेशन एक्सपर्ट मुस्लिम रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कराची में आए रोज ही हम सुनते हैं कि हीट वेव आ गई है, वजूहत क्या है इसकी? देखिए, मैं बहुत अरसे से ये बात इसकी अवेयरनेस दे रहा हूँ, हर लेवल पे दे रहा हूँ कि देखें हमारा जो मुल्क है उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा फॉरेस्ट जो है वो 4% से भी नीचे चला गया है, जबकि मैं समझता हूँ उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी 25% जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है, और जंगलात ही हैं जो एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी के क्लाइमेट को मॉडरेट करने के लिए। और जब एक दफ़ा दरख्त की कमी वाकया हो जाती है डिजास्टर्स पैदा हो जाते हैं, जैसा कि अभी 2 साल पहले जो आपने देखा कि हीट वेव आई, उस हीट वेव में लोग जो मरे हैं और
अब सड़े मरे के उन्होंने देखा कोई शेल्टर प्लेस नहीं थी कहीं, जब उनको गर्मी लगी, लू लगी और वो डिहाइड्रेट हुए। अगर उस वक्त दरख्त होते तो दरख्तों के नीचे चले जाते। एक सिलसिला ये कि कंक्रीट, जैसे अर्बन एरियाज की मैं खासतौर बात कर रहा हूँ, कंक्रीट का एक फिनोमेना है कि कंक्रीट हीट को एब्जॉर्ब करती है और बहुत देर में उसको फिर इवॉल्व करती है, यानी उसको खारिज करती है। तो जहाँ भी कंक्रीट नेचुरली अर्बन एरियाज में कंक्रीट है, तो हमें उसकी सब्स्टिट्यूशन के लिए या उसकी मॉडरेट, उसके क्लाइमेट को हमने मॉडरेट करने के लिए हमें हर हालत दरख्तों को लगाना है, रूफ टॉप्स पे भी लगाना है, और इसी तरीके से हम इस पे काबू पा सकते हैं, वरना जो हालात हैं वो सब इनसे वाकिफ हैं। ठीक, अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेव्स आए दिन कराची में आ जाती हैं, उसके लिए हमें प्लांटेशन तो करनी, साथ जो है वो हमें इकदाम भी करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शजरकारी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये ओजोन लेयर वाला जो मामला है, ये किस हद तक टेम्परेचर के बारे में जो है मुतासर कुन साबित होता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि आपको अपनी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना है, मैनेज करना है, और अब जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि देखिए, जितनी हमारे यहाँ से जो ओमिट हो रही हैं, ग्रीन गैसेस जो हो रही हैं, उससे भी ओजोन लेयर जो है डैमेज हो रही है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलजुल कर एक पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं। जब हम बात ये करते हैं कि हम दरख्त लगाएं, तो हम ये बात करते हैं, जब तो नेचुरली दरख्तों का काम एक प्राइमरी का बच्चा भी जानता है कि दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खाते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, तो एक माहौल में वो हमारी हमें मॉडरेट करते हैं। फिर जैसे मैं हमारे मैनग्रोव्स जो हैं, जिनको हम उर्दू में टिमर कहते हैं, उनके एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारी अर्बन पट्टी के जो जंगलात हैं उसमें भी उसको काटा जा रहा है, उसको फॉर्डर के लिए, फ्यूल के लिए, टिम्बर के लिए, उसको भी हमने रोकना है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से वो सिपाही हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, ये खामोश सिपाही हैं, और अगर एक दफ़ा ये तो फिर... अच्छा रजत साहब, अभी जिस तरह आप ग्रीन रेस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कराची में तो ये तकरीबन ही मेरा ख्याल खत्म हो चुकी है, और इसकी वजह से देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में केसेस भी बड़े रिपोर्ट होते हैं कि गर्मी के मौसम में मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ रही हैं, इसकी क्या वजह है, गर्मी को आप भी कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, कराची एक हमारा एक बिजनेस हब है, और बदकिस्मती के साथ मैं कहूँगा कि इस तरफ जो है अरबाब इख्तियार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखें जहाँ पर जो बिजनेस हब होगा उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, और जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी तो ऑब्वियसली जो एक नेचुरल चीज़ें हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, रिक्लेम भी होगा लैंड, उधर भी बिल्डिंगें बन रही होंगी और आबादी बढ़ रही होगी, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही होंगी। देखिए, मैं यहाँ पर बता रही, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब गवर्नमेंट एक कानून बनाती है कि आप हाई राइज बिल्डिंग उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक उसमें आपको पार्किंग की कैपेसिटी या पार्किंग की प्लेस नहीं देनी पड़ेगी होगी, उनसे पूछता हूँ कि भाई जब आप ये कानून पास कर सकते हैं तो अब ये कानून ये भी पास कर सकते हैं कि जब कोई हाई राइज बिल्डिंग बने तो उसका जो रूफ टॉप है, नेचुरली वो हाई राइज बिल्डिंग ये बनती है उससे पहले कोई इमारत होती है वहाँ पर, और उस इमारत में कुछ दरख्त भी लगे हुए होते हैं, और जब वो सब बिल्डिंग डिमोलिश होती है, दरख्त चॉप ऑफ होते हैं, कट जाते हैं, और जब उस पर हाई राइज बिल्डिंग बन जाती है तो उस से जो दरख्तों का जो काम होता है वो खत्म हो चुका होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जिस तरह बाहर के मुल्कों में आजकल वर्टिकल गार्डनिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, यानी अमूदी जंगलात पे, क्योंकि जहाँ पे अर्बन एरियाज में नेचुरली यहाँ पे बिल्डिंगों की तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन उसको भी मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्योंकि उनको पता है जहाँ पे जानते हैं कि जंगलात की कितनी अहमियत है, तो हम ठीक है हम अमली इकदाम ही नहीं करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो है वो दरख्तों को काट दिया जाता है और फिर उसके बाद गर्मी जो है वो शिद्दत से होती है। कराची के मौसम की अगर बात ही कर रहे हैं तो बताएं कि इंतहाई अजीब मौसम होता है, कभी रात के वक्त मौसम सर्द हो जाता है, फिर हम सुबह 6-7 बजे तक देखते हैं कि यही मौसम बरकरार रहता है, लेकिन जैसे सूरज निकलने लगता है तो इसकी तपिश पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेती है। बिल्कुल ऐसे ही सब, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एसी का रिमोट बंद कर लेके आ रहा है। सुबह में मुनीजा और अहमर से यही बात कह रही थी कि ये किस तरह का मौसम चल रहा है। अच्छा मुस्लिम रजा साहब, आप हमारे साथ रहिए, इस पर कराची के शहरियों का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। जितनी भी आपकी प्लांटेशन है कराची के अंदर अगर हम बात करें वो सब खत्म कर दी है, तो जाहिर सी बात है जब आप एक पूरा ये खत्म कर देंगे तो हीट तो फिर बढ़ेगी, और मौसम क्लाइमेट पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है तो कराची का भी चेंज हो गया है। सबसे अहम बात कि कराची को जिस मसले का सामना है वो है दरख्तों की कमी, तो नीम के दरख्त लगाएं, और नए दरख्त अगर हम अभी लगाएंगे तो वो तकरीबन 70-75 साल में वो बड़े होंगे, प्रॉपर होंगे, तो जो पहले से मौजूद दरख्त हैं उनकी हिफाजत करें। बस
एक हेलमेट था जो कि हीट स्ट्रोक को रोक सकता था ताकि हमारे मतलब दिमाग में इतना वो ना हो सके, लेकिन अब फिलहाल इसका है तो पुलिस और रेंजर्स की मतलब सख्ती के लिए अब हम इसको जो है वो कैप वगैरह लगाएंगे। लोगों को चाहिए कि अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखें, अगर लंबा सफ़र कर रहे हैं तो ज़रूरी है उसके लिए कि पानी हो साथ में। पानी की बोतल वगैरह रखनी पड़ती है एंड यू नो क्लासेस से बाहर निकलते वक्त, क्लासेस में एसी होता है और बाहर आओ तो धूप ऐसे मुंह में आ रही होती है, तो वी स्टे इन द यू नो नॉट इन द हीट एरिया और हम बाहर खड़े होते हैं जैसे थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन हो एंड देन वी कम आउट। जैसे लास्ट वीक भी बहुत गर्मी थी तो वी डिड लाइक दैट। ये भी सब हरियाली हो सब इन्होंने ख़त्म कर दी है, हुकूमत ही नाकाम है समझो। जब हमारे हुकूमरान सही शहर पे ऐसे ही तकलीफें आएंगी, बेकसूर लोग हीट स्ट्रोक से मौत मरेंगे। बिल्डिंग की बहुत बहतात है, ग्रीनरी बहुत कम है, हम ये जो आए दिन ये दरख्त काट देते हैं इनको काटना नहीं चाहिए, इनकी वजह से काफ़ी हमारे वेदर पे फ़र्क पड़ता है। जी तो आपने सुना है प्लांटेशन के हवाले से, मेरा ख्याल है सिर्फ मशवरे नहीं देने चाहिए, खुद भी थोड़ी बहुत इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ सबा जब मैं कभी कराची से लाहौर जा रही होती हूँ, आप अगर देखें थोड़ा सा मुवाजना करें ऊपर से जब मैं देख रही होती हूँ तो लाहौर में आप जैसे ही एंटर होते हो तो दरख्त वगैरह नजर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कराची में आते हैं तो जना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं लेकिन प्लांट्स का और ऐसा कोई हुआ। और ऊपर से शहरी ने कह दिया कि धूप से बचने के लिए पहले हम हेलमेट यूज करते थे और अब तो हेलमेट का सहारा भी नहीं है। एक दफा फिर से मुस्लिम रजा साहब की जानिब बढ़ेंगे, तहफ़ुज़ात का इजहार किया है सर, गर्मी के हवाले से प्लांटेशन की अहमियत के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं पाकिस्तान के हवाले से बात ही करता हूँ, एक बहुत अहम चीज़ ये है कि देखिए अल्लाह ताला का एक निज़ाम होता है हर चीज़, देखिए अगर आप नेचर से अगर आप हटेंगे तो वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे। देखिए पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें बड़े अच्छे दरख्त दिए हुए हैं जिसमें मैं आपको नाम बताता हूँ, गुले मोहर दिया हुआ है हमें, हमें सुख चैन दिया हुआ है, हमें बर्मा दिया हुआ है, हमें नीम दिया हुआ है, ये हमें इतने हमारे अच्छे दरख्त हैं क्यों नहीं हम इम्पोर्ट करते। ये दरख्त जो है 5 साल में तैयार हो जाते हैं और अल्लाह का जो दिया हुआ वो अंडर वाटर टेबल का जो पानी है उससे अपनी गजा लेते रहते हैं। हम बाहर के क्यों दरख्त लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? बाहर के दरख्त हम लाएंगे हमारे लिए नुकसानदेह है वो, जैसे कि आज से बहुत पहले अर्ली 60s में हमने एक जंगली शहतूत लेकर आ गए थे ऑस्ट्रेलिया से जिसने एक तूफान बर्पा कर दिया इस्लामाबाद में, और आज भी लोग जो हैं पिंडी और इस्लामाबाद के लोग जब उसका सीजन पोलन का आता है तो वो अपने शहरों को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो मैं एक आपसे दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छे दरख्त दिए हुए वो हम लगाएँ, खास तौर पे स्कूल के बच्चों को मेरा ही पैगाम है। मैंने एक ग्रीन फोर्स का क्याम किया है, ये ग्रास रूट लेवल पे स्कूल के लेवल पे बच्चों को अवेयरनेस दी है कि वो बच्चे प्लांटेशन की तरफ जाएं और ओवरऑल इन्वायरमेंट पे अपनी नज़र रखें। वो अपने घर से निकलते हैं, बच्चे जैकेट्स पहन के हैप्पी होम ग्रीन फोर्स लिखा होता है उसके ऊपर, वो वहाँ से निकलते हैं और वो अपनी नज़र रखते हैं। कोई ऐसा काम जो माहौल को बिगाड़ रहा होता है उसकी वो इतला देते हैं, और एक दफा एक दरख्त कट रहा था तो उस पर जाके हमने सर्कल कर लेते हैं ऐसे दरख्तों को जो कोई काटने की कोशिश करता है। चलिए जी बहुत शुक्रिया मिस्टर नज़र साहब साथ थे और इस सब पर डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस प्रॉपर होनी भी चाहिए। और मैं जब देखती हूँ बाहर ममालिक की कोई वीडियोज और पिक्चर्स तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी उसी लिहाज से की जाती है कि अगर कोई रस्ते में दरख्त आ रहा है तो हमने उसको काटना नहीं है बल्कि अपने रूट को बदल देना। हाँ तो अलमिया ये है कि बाहर से दरख्त मंगवाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आंखें खराब हो गई हमारे लोगों की। पाकिस्तान कुदरती नेमत से इतना माला माल है, दरख्त हो या फिर दीगर नेमतें, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हमारे मुल्क में, लेकिन हम देखते नहीं हैं, हम भागते हैं बाहर। लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, कहीं जाएगा बट डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब अब हम हमारे फेवरेट सेशन के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम बात करते हैं कुछ खाने पीने की कुछ मजेदार रेसिपीज के हवाले से। तो कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहां पर सारा साल ही फिश खाई जाती है, और कराची की अगर बात करें हम तो यहां पर भी जो पूरा साल ही फिश खाते हैं, तो कराची वालों के लिए खसूसी तौर पर आज हमने ये रेसिपी डिसाइड की है और लंदन की तरह की लंदन फिश वो आज हम बना रहे हैं, तो आप जरूर देखिए किस तरह से बनती है।
ये लंदन स्टाइल से ज्यादा मुझे लाहौरी स्टाइल लग रहा था, क्योंकि लाहौर में तो सर्दियों का मौसम जैसे वहाँ पर फिश का भी दौर शुरू हो जाता है और इसी तरीके से बनती है वहाँ पे तो। बल्कि सब जगह ही फिश का दौर शुरू हो जाता है। अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो नवंबर दिसंबर में आप देखिएगा, हम ज्यादातर रेसिपीज आपको फिश के हवाले से ही देंगे। अच्छा जी, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ तो हम खाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बात के हवाले से, यानी सुरों के बादशाह की हम बात कर रहे हैं। एक तवील और दुनियावी सफर गुजारने वाले गजल के बादशाह का लकब पाने वाले जगजीत सिंह की हम बात कर रहे हैं, जिनको दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए हैं। बिल्कुल जनाब, उनकी 6ठी बरसी पर उनकी कुछ बातें और कुछ यादें जो है वो ताजा करते हैं और उनके कुछ गीत भी आपको सुनाते हैं कि आगे सॉन्ग चलते रहे उसी तरह हम सुनते रहे। लेकिन बात जो है वो हमारे पास बहुत कम है इस वक्त, आगे चल के कुछ मजीद भी इस हवाले से बातचीत करेंगे। इस वक्त सब आपको बताएंगे कि आज के दिन की हिस्ट्री क्या है। आज के दिन की हिस्ट्री क्या है, तो आज के दिन यानी 6 अक्टूबर 1866 में पहली दफा अमेरिका में ट्रेन रॉबरी की गई थी। सोलर सिस्टम का 4th सबसे बड़ा सयारा नेपच्यून का सबसे सैटेलाइट ट्रिटन, जिसे 10 अक्टूबर 1846 में अमेरिकी मर्चेंट और एस्ट्रोनॉमर विलियम लेजल ने दरियाफ्त किया था। ट्रिटन नेपच्यून के गिर्द रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूम सिस्टम में सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। ट्रिटन की सतह पर ज्यादातर फ्रोजन नाइट्रोजन और जमी हुई बर्फ मौजूद है। इसके अलावा पत्थर की चट्टानें और मेटल की भी कुछ मकदार पाई जाती है। ट्रिटन को नेपच्यून के दूसरे सैटेलाइट नेराइट की दरियाफ्त से पहले द सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे ग्रीक वर्ड ट्रिटन गया। ट्रिटन दरियाफ्त करने वाले एस्ट्रोनॉमर विलियम लेजल ने 1848 में सैटर्न के नेचुरल सैटेलाइट हाइप्रियन, जबकि 1851 में यूरेनस के 2 सैटेलाइट एरियल और एम्ब्रियल भी दरियाफ्त किए थे। चलिए जी, तो ये हिस्ट्री हमने आपको दिखाई और डेफिनेटली जो हिस्ट्री थी ये 6 अक्टूबर के हवाले से हिस्ट्री थी। आज आपको क्यों दिखाई ये हिस्ट्री, वो इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है इंटरनेशनल स्पेस डे मनाया गया है और उस हवाले से हम चाहते थे कि अपने नाज़रीन को कुछ आगाह करें, तो हमने सोचा कि कुछ खला की बात की जाए, तो क्यों ना आपको 6 अक्टूबर की हिस्ट्री दिखा दी जाए। तो इसलिए गुड मॉर्निंग आज में हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों, कुछ नए गेस्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नई स्टोरीज के साथ। टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए and keep watching. Hey guys. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.